सीनियर किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे घर में ही सहजवान की चटनी, जो बच्चे मोमोज और चाउमीन से बेहद ही खाना पसंद करते हैं। तो आइए चलिए बनाते हैं सहजवान की चटनी। सहजवान की चटनी की सामग्री है 200 ग्राम लाल मिर्ची। अगर आपकी मिर्ची ज़्यादा तीखी है तो उसमें से बीज निकाल दीजिए। 3 चम्मच हरी डंडी धनिया की, तेल, लहसुन अदरक चॉप किया हुआ, नमक, छोटा सा गुड़ टेस्ट को बैलेंस करने के लिए, गर सोया सॉस। तो चलिए बनाते हैं। गैस को जला दिया है, कढ़ाई रख दिया है, अब गर्म होने तक वेट करेंगे इसका। अब मैंने इसे 1 घंटे के लिए गुनगुने पानी में भिगो के रखा था मिर्ची को, और मैंने उतना ही पानी डाला है इसके अंदर जितना पानी हम बाद में इसको यूज़ कर लें। पहले वॉश करिएगा, उसके बाद इसको उबलने के लिए रखिएगा, भिगोइएगा इसको। देखिए, तो देखिए हमने इसको जार में इसको कर लिया है, इतना पानी हमारा बच गया है, इसे हम बाद में यूज़ कर लेंगे क्योंकि हमने मिर्ची को वॉश करके ही भिगोया था गुनगुने पानी में। अब हम इसका थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें अलग से पानी इसमें। अब इसका हम पेस्ट बनाएंगे बढ़िया सा। तो देखिए कितना अच्छा सा फाइन पेस्ट तैयार हो गया इसका। अगर आपको जल्दी है तो आप इसमें थोड़ा सा जल्दी से भिगो के और इसमें एक सीटी भी लगा लेंगी तो भी आपका जल्दी से सहजवान की चटनी के लिए पेस्ट बनाने के लिए अच्छे से तैयार हो जाएगा। गर्म हो गई है, हमने मीडियम फ्लेम पे रखा है गैस को। इसमें डालेंगे ऑयल, हमें ज़्यादा दिन के लिए स्टोव करना है तो ऑयल थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही पड़ेगा इसमें, ताकि अच्छे से वो सहजवान चटनी गर्म हो चुके हैं। उसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक जो चॉप किया हुआ था, ऐसे अच्छे से भूनेंगे। डंडी है काट के रखी थी वो भी इसमें डाल देंगे। ये देखिए अच्छे से भून गया है ये। इसमें डालेंगे पेस्ट, इसको अच्छे से हम पकाएंगे। इतना अच्छा भूनेंगे इसको, तेल आने तक इसको अच्छे से भूनते रहेंगे। और जो हमारा पानी बचा था वो पानी भी हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि अच्छे से पक जाए। जो हमने छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लिया था इसको छोटा छोटा काट कर डाल देंगे इसमें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो गुड़ की जगह चीनी भी डाल सकते हैं। और डालेंगे नमक, नमक मिर्ची क्योंकि बहुत तेज है तो नमक उसी के अकॉर्डिंग डालेंगे जितना आपका सहजवान की चटनी बनानी है। कम ज़्यादा जैसा भी आप खाएं वैसे आप डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से पकने देंगे, थोड़ा और पानी डालेंगे ताकि बहुत अच्छे से पक जाए। कम से कम आधा गिलास पानी इसमें अलग से और डालेंगे। देखिए कितने अच्छे से इसमें उबाल आ रहा है। जब तक हमारा अच्छे से पक के तेल ना छोड़ दे तब तक हमें इसे पकाना है। देखिए ये हमारा पक के तैयार हो गया है। ये अब इसमें हम डालेंगे, इसमें 1 चम्मच सोया सॉस बनता है,
और एक चम्मच विनेगर। अब इसे अच्छे से हम मिलाएंगे। देखिए इसका कितना अच्छा बढ़िया कलर उभर के आ गया। और देखिए इसका तेल भी उभर के आ रहा है। जब ये ठंडा होगा तो ये इतना पक गया है कि जब ठंडा होगा तो इसका तेल ऊपर आ जाएगा और इससे पता चल जाएगा कि ये अच्छे से पक गया है। गाढ़ा देखिए इतना हो गया है, जितना आपको गाढ़ा रखना है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। तेल इसमें दिख रहा, ये देखिए दिख रहा ना, बिल्कुल मार्केट की तरह आपका बनके ये तैयार हो गया है। और आपको अगर ये तीखा हो जाए तो आप चाहें तो, अगर बच्चों को देना चाहती हैं तो अलग से दो टमाटर को पीस लीजिए मिक्सी में और उसको हल्का सा तेल डाल के फ्राई करिए उसको, और उसमें से जितना आपको सहजवान की चटनी यूज़ करनी है उसमें डाल के और बच्चों के हिसाब से आप उसको बना सकती हैं। देखिए ये हमारी सहजवान की चटनी बनके तैयार हो गई है। और अपने अकॉर्डिंग से आप इसे ज़्यादा गीला या सूखा मतलब कर सकते हैं। अब इसको किसी भी मोमोज से, चौमिन से, किसी भी तरीके से, किसी भी के साथ भी, जिससे भी आप एंजॉय करना चाहें उसके साथ इससे चटनी को खा सकते हैं। ज़्यादा दिन के लिए फ्रिज में, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसको स्टोर भी कर सकते हैं, एक महीने तक आराम से ये चटनी चल जाती है। और देखिए बनके कितने अच्छे से तैयार हो गई है घर में सहजवान चटनी। हमारी सहजवान की चटनी बनके तैयार है। अब इसे खाइए और एंजॉय कीजिए, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।